आपका मन आपको भटकाता है, आपको शिव से दूर खींचता है। यही तो कलयुग है। कैसे पता चलेगा हमें कलयुग है? क्यों? क्योंकि हमारा मन हमें शिव से दूर खींचता है। लेकिन हमारे पास आज की तारीख में फ्री विल है, हमारे पास आज की तारीख में तप करने की क्षमता है। और जहां हम तप करते हैं तो हमारा जीवन तो बदलता ही है, दूसरों का भी बदलता है। अगर 1% आप समाज को शिवयोगी बना दो, 1%, तो वो समाज सतयुग से कम नहीं होगा। उस समाज में स्वास्थ्य, शांति, दिव्यता घर घर पहुंचेगी। उस समाज में अपने आप हर बच्चा शिव को खोजने के लिए प्रेरित होगा। उस समाज में हर चिकित्सक शिवयोगी की तरह होगा। उस समाज में हर टीचर इस शिवयोगी की तरह होगा। उस समाज में भोग और मोक्ष घर घर पहुंचेगा। उस समाज में कर्म पूरा करने के बाद संन्यास आश्रम सहज ही एक व्यक्ति स्वीकार लेगा। और इसलिए मैं तो हमेशा महादेव से एक ही प्रार्थना करता हूं, महादेव मुझे आप मेरे 1% दे दो। 1% तपस्वी, 1% साधक, 1% श्री विद्या साधना करने वाले, महादेव की भक्ति में लीन होने वाले, ललिता रुद्र त्रिशति अपनाने वाले शिवयोगी। और अभी आप देखो इतने सारे आप लोग इस स्थान पर एकजुट हो, साधना कर रहे हो, और कितनी पॉजिटिविटी और सकारात्मकता आपके माध्यम से घर घर पहुंच रही है। इसलिए मैं आपको, आपके भीतर स्थित महादेव को बहुत प्रेम से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये मेहनत जो आप कर रहे हो ये सरल नहीं है। परिवार में रहकर भी, काम करते हुए भी आपने महादेव के लिए समय निकाला, ये चीज मैं देखता हूं, मैं अप्रिशिएट करता हूं। सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी सनातन परंपरा आपको देख के अप्रिशिएट कर रही है। और इसलिए आप ही के भीतर मैं सिद्धों की चिंगारी डालता, शिवयोग का बीज डालता, और मैं जानता हूं आपके तप से ये बीज जरूर अंकुरित होगा। Bless you.